IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लीनियर मेजरमेंट एंड चेंसर एक आपका लास्ट टॉपिक है, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। ओके, अब समझो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट होती क्या है। जैसे मानो ये हमेशा लार्ज मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप, ये आपकी बहुत ही लार्ज मेजरमेंट है, ठीक है, ये कोई आपकी सर्वे लाइन है, ठीक है। अब बहुत ही लार्ज मेजरमेंट के लिए आप अगर ऑफसेट ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अगर स्मॉल डिस्टेंस होगी तो आप जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप क्लियरली ड्रॉ कर दोगे, लेकिन अगर आपकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा है तो आपका जो ड्रॉ ऐसे करोगे तो क्या है, थोड़ा सा मैनुअली एरर आ जाता है, ठीक है। थोड़ी हमारी जो ऑफसेट लाइन है वो थोड़ी सी डेविएट हो जाती है थीटा एंगल से, ओके। लेकिन अब आप मैप पर इसको प्लॉट करोगे, तो वो तो आपकी स्ट्रेट प्लॉट कर दोगे, लेकिन ग्राउंड पर आपकी थोड़ी टेढ़ी रहेगी वो, ठीक है। तो आपकी मैप के और इसके बीच में या आपकी डेल, ये इतनी आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की एरर्स को हम लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑफसेट के कारण एरर आ रही है, ओके। अब जो एरर आएगी वो हमारे मैप पर तो कुछ रिफ्लेक्शन देगी नहीं, ओके। लार्ज मेजरमेंट के अंदर जो भी एरर्स आती है वो स्मॉल मेजरमेंट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं देती है, ओके। तो डेफिनेशन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट फॉर विच एरर शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑन मैप, ओके। और जो मैक्सिमम एरर आएगी मैप के ऊपर वो 0.025 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। अब इसमें बेसिकली दो तरीके के केस पड़ेंगे कि आपकी एक तो लाइन एरर है, मतलब कुछ थीटा एंगल पर आपके एरर आ गए, मतलब आपने जो ऑफसेट ड्रॉ किया लार्ज मेजरमेंट के लिए वो आपका कुछ टेढ़ा ड्रॉ हो गया, ठीक है, कुछ एंगल पर चले गया वो विद रेस्पेक्ट टू द P1 पॉइंट विच इज ऑन पेपर, ओके। और सेकेंड हम पढ़ेंगे कि हमारी किसी एंगल पर तो गई वो, साथ के साथ में जो लेंथ का मेजरमेंट किया, जो लेंथ उन्होंने मेजर करी उसमें भी डिफरेंस आ गया, ठीक है, उसमें भी एरर आ गई। तो बोथ इन लाइन एंड लेंथ मेजरमेंट, ओके। तो पहला केस डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये एरर इन लाइन एरर, लाइन डायरेक्शन, ओके। ये आपकी सर्वे लाइन है, ओके, यहाँ से आपने ऑफसेट ड्रॉ किया, ठीक है। तो ऑफसेट स्ट्रेट लार्ज मेजरमेंट के लिए स्ट्रेट ड्रॉ होने के बजाय थोड़ा टेढ़ा चले गया, ठीक है। अब वो टेढ़ा कितना गया, थीटा एंगल पर चले गया, एल साइन थीटा। ये पी क्या है, ये पी पॉइंट है आपका ऑन द ग्राउंड, और जो पी वन है ये पॉइंट है ऑन पेपर, ओके। ग्राउंड का पॉइंट है, उसका है थीटा एंगल पर आपका लाइन हो गया, ठीक है, थीटा एंगल पर डेविट हो गया आपकी ऑफसेट डिस्टेंस, और एल साइन थीटा आपकी एरर आ गई ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर एरर आ गई, ठीक है। तो हमारी जो लिमिटिंग लेंथ है, एक्चुअल लेंथ होनी क्या चाहिए वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्केल ऑफ मैप, ये आपकी स्केल दे रखी है, ठीक है, 1 मीटर ऑन पेपर इज इक्वल्स टू एस मीटर ऑन ग्राउंड। तो जो लेंथ आएगी मैप पर, लेंथ की जो एरर आएगी वो कितनी आएगी आपकी, एरर ऑन द ग्राउंड डिवाइडेड बाय द स्केल ऑफ मेजरमेंट, ओके, शुड नॉट ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी जो लेंथ है, जो आपकी मैक्सिमम एरर है वो 0.025 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस रिलेशन यू कैन इजीली फाइंडिंग आउट एल विच इज कम्स आउट एल इज इक्वल्स टू 0.025 एस डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ओके। When you see this question, you are clearly okay. जो question देख लेते हैं क्या कह रहा है, question number 32, question क्या कह रहा है, if scale is drawing is 1, scale आपकी ये दे रखी है 1 centimeter is equal to 60 meter, 1 पहले केस के लिए, और दूसरे केस के लिए 1 centimeter is equal to 5 meter, okay. For above cases find out the limiting length of the offset if maximum error allowed in lying of direction is 6 degree, ठीक है, मैक्सिमम एरर 6 डिग्री है, इसके अलावा ये दे रखी है और बोल रहा है कि लिमिटिंग लेंथ फाइंड आउट करो आप ऑफसेट, ओके। पहले केस के लिए आपको स्केल दे रखी है 60 मीटर, 1 in 60 मीटर, एंड थीटा दे रखा है आपका 6 डिग्री के लिए, तो आप सीधा ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 0.025 एस अपॉन साइन थीटा, एस की वैल्यू देखिए सारी वैल्यूज दे रखी है, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। सेकेंड केस भी इसी तरीके से हो जाएगा।
सेकंड मैंने बताया था कि जो आपकी एरर व्हेन एरर इन द लाइंग डायरेक्शन एज वेल एज इन लेंथ ऑफ मेजरमेंट, मतलब आपकी कुछ एंगल पर तो डेविएट हो ही रही है, साथ के साथ जो आप लेंथ मेजर कर रहे हैं उसमें भी कुछ एरर्स आ गई। ओके सारी चीज़ें वही बता रखा है वापस। अब इसमें जो ये आएगा, इसमें जो नेट एरर आएगी, आपकी जो नेट एरर आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, एल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अंडर। अब देखो ये एल साइन थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है, ये लेंथ तो ये नेट एरर निकालने के लिए क्या आएगा, ये नेट एरर निकालेंगे रूट अंडर एल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके वही चीज़ यहाँ दिखा रखिए। ओके इसके अलावा आपका वही है, पूरा खेल वैसा का वैसा ही है बाकी, ठीक है। ये एरर ऑन ग्राउंड डिवाइडेड बाई स्केल शुड नॉट ग्रेटर देन 0.025। वेन यू सोल्विंग आउट दिस रिलेशन यू कैन ईजिली फाइंडिंग आउट एल विच इज कम्स आउट एल अपॉन साइन एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा रूट अंडर 0.025 एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके एक नोट दे रखा है, सिंपल नोट है कि अगर आपकी एरर वन, अगर आप एक मीटर सीधे चलोगे तो आपकी आर मीटर एरर आ रही है, ठीक है। अगर ऐसे ही आप एक्स एल मीटर सीधे चलोगे तो आपकी आर एरर आएगी। वापस समझो इसको, अगर आप वन मीटर स्ट्रेट चलोगे तो आपकी आर मीटर एरर आएगी, मतलब आप इसको वन अपॉन आर दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एल डिस्टेंस स्ट्रेट चलोगे तो आपकी आर एरर आएगी उसमें, तो आप इसको एल अपॉन आर दिखाओगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बोल रखा है इसमें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। 33 इफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन ऑफसेट अलाउड इज 20 मीटर एंड मैक्सिमम एरर अलाउड इन लेंथ मेजर्ड इज 25 सेंटीमीटर स्केल ऑफ ड्राइंग इज, स्केल आपकी दे रखी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 मीटर फाइंडिंग आउट द एरर दैट कैन बी अलाउड इन लाइंग डायरेक्शन ऑफसेट। अब सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, सिंपल फॉर्मूला यूज करके आप ये वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके अरे ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं थोड़े। शायद आई गेट में आया था शायद ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बोल रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देख ले थोड़ा। एन ऑफसेट इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 in 100, ठीक है। एक्यूरेसी क्या दे रखी है 1 in 100, इफ द स्केल ऑफ फ्लोटिंग इज 1 centimeter, स्केल आपकी क्या दे रखी है 1 centimeter इज इक्वल्स टू 10 meter एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ एंड दैट ड्यू टू इनकरेक्ट डायरेक्शन आर इक्वल। ये क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ, मतलब एक्स एक्स एंड दैट ड्यू टू इनकरेक्ट डायरेक्शन आर इक्वल, एक्स इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा, ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा, देन आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इज, तो आप लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट बताओ मीटर में, यूनिट मीटर में होनी चाहिए, जब द डिस्प्लेसमेंट ऑन द ड्राइंग शीट इज 0., जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.02 सेंटीमीटर है जब। ओके आर बोल रखा है स्केल, ये आर वैल्यू दे रखी है आपको एरर एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी दे रखी है आपको, स्केल दे रखा है, एल फाइंड आउट करना है, डेल आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, बोल रखा है कि एक्स इक्वल्स टू एल साइन थीटा होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अभी हमने नोट देखा था कि अगर आपके वन डिस्टेंस स्ट्रेट जाओगे आर उसमें एरर है तो आप उसको वन अपॉन आर शो कर सकते हो, ऐसे अगर आप एल स्ट्रेट जाओगे और उसमें आर एरर है तो उसको आप एल अपॉन आर शो करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये यही कर रखा है, एल अपॉन आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर की वैल्यू आप 100 दे रखी है तो 100 यहाँ से यहाँ रख दोगे। ओके अब नेट एरर की बात करेंगे हम, तो नेट एरर आपकी क्या थी हम यहाँ देखे थे, अभी नेट एरर देखो ये थी आपकी नेट एरर कितनी थी, रूट अंडर एल साइन थीटा का स्क्वायर, रूट अंडर एल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके यहाँ वैल्यू ये रख दोगे फॉर्मूला। अब एल साइन थीटा आपका क्या है, एल साइन थीटा आपका एक्स के बराबर है, देखो यहाँ पर एल साइन थीटा एक्स के बराबर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो रूट अंडर 2x स्क्वायर हो गया यहाँ से, इसके लिए आपकी ये दे रखी है इस तरीके से 1 centimeter। ओके तो अब आप डेल निकालोगे तो डेल आपका क्या होता था कि नेट एरर डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल्स टू, नेट एरर मतलब ग्राउंड की एरर
ग्राउंड एरर डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल्स टू अपन 0.025 था, लेकिन हमें 0.025 की जगह हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर डेल 0.02 दे रखा है। ओके, तो इस तरीके से ये रिलेशन आ गया, इसको सोल्व करोगे आपकी एल 14.14 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे कंपास सर्वे स्टार्ट करेंगे, गेट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपास सर्वे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।